मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एमपीपीएससी परीक्षा 2018 में हुई प्रश्नों की गलती को लेकर लगातार हो रहे विरोध के बाद शनिवार को आयोग ने सफाई दी। आयोग ने कहा कि परीक्षा में सवालों का गलत होना प्रश्न पत्र निर्धारित करने वाले प्रोफेसर की गलती हो सकती है, ऐसे में इसका अभ्यर्थियों के भविष्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयोग ने पेपर सेट करने वाले 7 प्राध्यापकों पर भी कार्रवाई की बात कही। आयोग ने उन सभी 5 प्रश्नों को हटाने का निर्णय लिया जिनमें त्रुटि हुई है। सारे देश से भारत से हम विशेषज्ञ लोगों की जानकारी लेते हैं, लिस्ट लेते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि भाई ये हमारा पेपर आप सेट करेंगे, तो पेपर सेट करने में यदि उनसे कोई गलती होती है तो उस गलती के कारण फिर हम भविष्य में उनका दोबारा उपयोग नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा कि प्रश्नों में होने वाली गलती को लेकर आयोग हमेशा ही पारदर्शी प्रक्रिया अपनाता है। प्रश्न पत्र बनने के बाद कोई भी इसे देखता नहीं है, उसे सिर्फ अभ्यर्थी के सामने ही खोला जाता है। जैसे गोपनीयता एक बहुत बड़ा प्रश्न है, तो गोपनीयता और एक्यूरेसी, इन दोनों में आपको बैलेंस करना होता है, जिसमें गोपनीयता एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आयोग के किसी भी स्तर पे कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन पेपर को देखता नहीं है। क्वेश्चन पेपर तभी खुलता है जब वो बच्चे के सामने होता है, और इवन हमारा प्रत्येक क्वेश्चन पेपर पैक रहता है, खुद कैंडिडेट उसको खोलता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बचे हुए प्रश्न को इनविजिलेटर भी देख सके। तो आयोग में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से कार्रवाई की जाती है, ये सिर्फ एरर्स हैं। छात्रों के विरोध को लेकर आयोग के उपसचिव दिनेश जैन ने कहा कि लगातार छात्रों के विरोध के पीछे साजिश या प्रायोजित विरोध की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हर बार विरोध के दौरान एक जैसे छात्र ही सड़कों पर नजर आते हैं। शायद अभ्यर्थियों का कहना है कि वो तो साहब आयोग जब चाहे तब पद बढ़ा देता है, तो ऐसा नहीं है। एक नियम है, विज्ञापन में लिखा हुआ है कि पद प्रिलिम्स के रिजल्ट के पहले, प्रिलिम्स का रिजल्ट घोषित होने के पहले तक बढ़ाए जा सकते हैं। पद बढ़ाना तो छात्रों के हित में है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर पद बढ़ाएंगे तो 15 गुने ज्यादा लोग आएंगे। आज 200 पद हैं तो 3000 लोग सिलेक्ट होंगे, और अगर शासन हमको ज्यादा पद भेजेगा 500 और बढ़ जाएंगे तो 7500 लोग और आ जाएंगे। तो इसमें मतलब हम किस तरह से षड्यंत्र कर रहे हैं, ये तो उनके हित में ही कर रहे हैं। अब उस हित को भी अहित बताना तो एक भ्रम फैलाने वाली बात है, और इसमें कुछ भी नहीं है। गौरतलब है कि बीते 15 दिनों से एमपीपीएससी परीक्षा में सीटें बढ़ाने को और गलत सवालों को लेकर छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं राज्यपाल से भी अभ्यर्थियों ने इस मामले की शिकायत की थी। इसके बाद आयोग ने मीडिया के सामने आकर यह जानकारी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।